यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में हम आपके लिए लेकर यूपी बोर्ड क्लास 3 सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है। इस अध्याय से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को बस पूरा लास्ट तक देखिएगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। इसमें जो चैप्टर में आने वाले या याद रखने वाले महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं पहले, तो पहले कुछ बिंदु है तो इन्हें देख लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो इस चैप्टर में आपके प्रयोग आएंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण शब्दावली, आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। निरंकुशवाद किसे कहते हैं? तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी का कोई अंकुश नहीं होता, यह केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। तो निरंकुशवाद क्या होता है? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी का कोई अंकुश नहीं होता, यह केंद्रीय सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। कल्पनादर्श, इसे यूटोपिया भी कहा जाता है। इसमें ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की जाती है जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या हेडिंग पूछ सकते हैं आपसे। जनमत संग्रह क्या है? तो जनमत संग्रह क्या है? एक प्रत्यक्ष मतदाता जिसके माध्यम से एक क्षेत्र के समस्त लोगों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। श्रेणीवाद ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपराओं, रीति रिवाजों और स्थापित संस्थाओं पर बल देता या तीव्र परिवर्तन की उपेक्षा करते हुए धीरे धीरे परिवर्तन को प्राथमिकता देते हैं। विचारधारा, विचारधारा क्या होती? एक विशेष प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को दर्शाने वाले विचारों का समूह। नारीवाद, नारीवाद क्या? स्त्री पुरुषों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के हितों और अधिकारों का बोध कराने वाले विचारधारा। नरजातीय एक साझा नस्ली, जनजातीय, सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। उदारवाद, उदारवाद का यह लैटिन भाषा के लेबर शब्द से बना है जिसका अर्थ है आज़ाद। यूरोप में मध्य वर्गों के लिए इसका अर्थ या व्यक्ति के लिए आज़ादी या कानून दृष्टि से समानता। घोषणा, एक पत्र, पत्र एक प्रकार का प्रपन्न जिसमें किसी प्रकार की घोषणाएं दी होती हैं। ये घोषणाएं उस विषय से संबंधित होती हैं जिस पर यह आधारित होती हैं। राष्ट्रवाद, वह भावना अथवा विचारधारा जिसके माध्यम से जनता में राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक एकीकरण संभव हुआ है। प्रभुसत्ता, राष्ट्रीय विषयों का निर्णय लेने की स्वतंत्रता को पहले राजतंत्रों के पास थी और राष्ट्र राज्यों से बनने के बाद वहां के नागरिकों के पास आ गई। संहिता किसे कहते? ऐसी नियमावली जिसमें नियमों की विस्तृत सूची होती है। मताधिकार, मताधिकार किसे कहते? किसी भी विषय के निर्णय अथवा सरकार को चुनने की प्रक्रिया में जनता को प्राप्त मत देने का अधिकार है। महासंघ, छोटी छोटी इकाइयों से बना एक बड़ा संघ। यह राज्य अथवा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि किसी प्रकार की इकाइयों का हो सकता है। राष्ट्र राज, एक ऐसा आधुनिक राज जिसमें एक केंद्रीय शक्ति की प्रभु सत्ता हो तथा उसके शासकों व नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव हो। जर्मेनियम, यह जर्मन राष्ट्र का रूपक है थी। इसे वीरता के प्रतीक बलूत के वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनते हुए दर्शाया गया है। मोरियन, फ्रांस में राष्ट्रीय भावना के रूपक के रूप में दर्शाई गई एक नारी की छवि। यह ईसाइयों का लोकप्रिय नाम है। इसमें सिक्कों और डाक टिकटों को दर्शाया गया है। महत्वपूर्ण तिथियां क्या? इस चैप्टर में आने वाली महत्वपूर्ण तिथियां जो किसी चीज़ से संबंधित हैं। 1600
1788 ईस्वी में इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति। तो क्या हुई थी आपसे सिर्फ क्वेश्चन बन सकता है, 1688 ईस्वी इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति 1707 में क्या हुआ था, आपसे पूछ सकता है 1707 में क्या हुआ था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ और लुई सोहलवे के शासन का अंत 1797 ईस्वी, नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियन युद्धों की शुरुआत 1801 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड का मिलाप और 1804 ईस्वी में नेपोलियन द्वारा नागरिक संहिता बनाया जाना 1807 ईस्वी में ज्यूसेपे मैत्सिनी का जन्म 1814 से 1815 नेपोलियन का पतन, वियना शांति संधि। इसके बाद 1821 में यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ 1830 ईस्वी में फ्रांस की जुलाई क्रांति। इसके बाद 1891 में मैत्सिनी द्वारा यंग इटली नामक संगठन का गठन 1832 ईस्वी में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इसके बाद 1848 ईस्वी फ्रांस की क्रांति आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त गरीबों, औद्योगिक गरीब मजदूरों और किसानों की बगावत, मध्य वर्ग द्वारा संविधान व प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन की मांग, इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलेस, चेक आदि की राष्ट्र राज्यों की मांग 1859 से 1870 ईस्वी इटली का एकीकरण 1861 ईस्वी में इमैनुएल द्वितीय इटली का शासक बना 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया और प्रशा के बीच युद्ध हुआ 1866 से 71 के बीच जर्मनी का एकीकरण 1870 ईस्वी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होना 1871 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण प्रक्रिया 1905 ईस्वी में हैब्सबर्ग ऑटोमन राज्यों के स्लाव स्वतंत्रवाद का मजबूत होना 1914 प्रथम विश्व युद्ध। ये थे इस चैप्टर में आने वाली प्रमुख सने और जो इम्पोर्टेंट हेडिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन और एक नंबर के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।